पर हम मजबूर है, कहाँ जाए भैया जी, ने हम कहाँ से लाएंगे, लोन भी हम कहाँ से लाएंगे, हमारे बच्चे भी हैं, सरकार करेगी भाई तो इंसान में भी डर लगे। तो प्रार्थना पत्र कहीं दिया आपने डीएम को, कोई कार्रवाई हुई? आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से है। यहाँ ताला नगरी क्षेत्र के ग्राम सपेरा भानपुर में ग्राम प्रधान की खुली दबंगई और हिटलर शाही का मामला निकलकर सामने आया है। प्रधान की दबंगई के कारण तमाम ग्रामवासी अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। गांव के तमाम मकानों पर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अलीगढ़ की तेज तर्रार जिलाधिकारी शैलवा कुमारी जे से की है। जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, परंतु डरे सहमे ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जांच होने तक तो उनका सब कुछ लूट जाएगा। बताते चलें कि ग्राम प्रधान बिना किसी सूचना के गांव के दिलदार दिलावर समी खां आदि दर्जनों लोगों के खेत में रातों रात चक्रोड़ डालने का काम शुरू कर दिया, जिसकी पीड़ितों को भनक तक नहीं लगने दी। बताया गया है कि चक्रोड़ का प्रस्ताव जिला पंचायत से हुआ है। आइए बात करते हैं गांव छोड़ने को मजबूर हुए पीड़ित ग्रामीणों से। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस है। फिरदौस जी, क्या दिक्कत है आपको यहां? हमें दिक्कत ये है कि हमारे खेत पे कब्जा कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। और कौन बना रहे हैं? ये प्रधान। नाम क्या प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है अवधेश। क्या चाहते हैं वो? वो यही चाहते हैं कि सड़क बनेगी, लेकिन हम मजबूर आदमी हैं, हम क्या करें, हम यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं। चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है इंसाफ करना जाए। खेती चाहते हैं हमारी 12 बीघा पूरी होनी चाहिए और हम पर लोन भी है। क्या करें फिर, हम मजबूर है, कहाँ जाए भैया जी, ने हम कहाँ से लाएंगे, लोन भी हम कहाँ से लाएंगे, हमारे बच्चे भी हैं, सरकार करेगी भाई तो इंसान में भी डर लगे। तो प्रार्थना पत्र कहीं दिया आपने डीएम को? कोई कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं, मंगल की कह दिया है। प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा 12 बीघा खेत हो जाना चाहिए पूरा, और हमें सड़क उसमें नहीं चाहिए। ये आपकी दादलाई जमीन है? हमारी दादलाई जमीन है, 40 साल से ऊपर हो चुकी है उसको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। पिताजी का नाम? दिलदार खान नाम है। गांव कौन सा? गांव सपेरा भानपुर ब्लॉक जवां। क्या समस्या है यहां पर? समस्या ये है, मेरे खेतों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है ग्राम प्रधान के द्वारा। खेत नंबर कितना है आपका? खेत नंबर है 351। कितने बीघा जमीन है आपकी? टोटल मेरी दादलाई जमीन है 12 बीघा, मेरे पिताजी के भाई हैं टोटल 3, तो 4-4 बीघा हिस्से में आ गई। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, प्रधान जी ने रातों रात में मेरे खेत पर कब्जा कराने की कोशिश करी है, और जो है चक्रोट और रास्ता डाल दिया गया है जी। अब हम मीडिया डालने के लिए, उन्होंने कोई सूचना दी आपको? कोई सूचना दी रातों रात, रात में 4 बजे जो है, हमें तो खैर कोई सूचना नहीं मिली, अगले दिन सूचना मिली है, तब लोग हम यहाँ पहुँचे। हमारी 12 बीघा पूरी करा दी। प्रधान से आपने जब बोला कि हमारे रास्ते क्यों डाल दिया है, तो इसमें क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं वहाँ से प्रस्ताव लिया है जिला पंचायत से, और वहाँ से प्रस्ताव लिया है, और हमने जियो टैगिंग करा रखी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई उन्होंने लेटर दिखाया, कोई प्रस्ताव आपको नहीं दिखाया है? कोई ऐसा लेटर नहीं दिखाया, मैं सूचना तक नहीं मिली सर। नहीं, आपने कोई शिकायत किस बात की? शिकायत मैंने डीएम साहब को कर चुका हूँ, मेरे पिताजी और मैं भी गए थे, मेरे ताऊ के लड़के गए थे, हम 3 लोग गए थे। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? हम वहाँ से आश्वासन ये मिला है, जाँच के लिए उन्होंने बोल दिया है फिलहाल, ये आश्वासन हमें मिला है। और हमने फलैन का बोर्ड लगा रखा है, वो किस लिए लगा रखा है? वो इसलिए ही लगा रखा है ना सर, आज हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, मान लीजिए कब्जे की कोशिश की, और दबंग किस्म के आदमी है, वो लोग जिला बदर रह चुके हैं, उनके कुछ लड़के जो है, एक लड़का जो है जिला बदर रह चुका है जी। जेल भी काट चुके हैं वो लोग। तो जेल काटा उन्होंने? ऐसे ही जो है जिला बदर रह चुके हैं, जिला बदर में तो कई केस आ जाते हैं ना, 10-12 केस, अब मैं तो उनके पीछे नहीं रह रहा। खैर, क्या केस था, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये कार्रवाई चाह रहे हैं, पहले तो हमारी ये जो हमारी चक्रोड़ खत्म करी जाए खेत की जो है, और जगह पूरी मिलनी चाहिए, और ये फसल में जो नुकसान हुआ है, हमारे गेहूँ बुबे पड़े थे जो है, इसकी हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और ये सरकारी जो नाली टूटी है, भरा जो टूटा है, इसका भी हमें मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं अपने।
ये मांग है मेरी सरकार से। मेरा नाम मोहम्मद साहिब है। पिताजी का नाम? दिलावर खान। गांव कौन सा है? सपेरावानपुर। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि प्रधान हमारे इस खेत पे कब्जा कर रहा है जबरदस्ती दबंगाई से। कितना बीघा खेत है आपका? 12 बीघा जमीन है। तो यहाँ कोई रास्ता मौजूद है? नहीं, यहाँ कोई ना तो नक्शे में कोई मौजूद है, ना नाली ना रास्ता, कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ग्राम प्रधान क्या कह रहे हैं? ग्राम प्रधान ये कह रहे हैं कि हम यहीं से रास्ता निकालेंगे, तुम पे जो किया जाए वो कर लो। हमने डीएम साहब को शिकायत की है इसकी, और तुम्हारा सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की है, अभी तक वहाँ से कोई हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। तो आपके पास पूरा खतौनी है इसकी? हाँ, खतौनी हमारे पास है। तो वहाँ डीएम साहब को पेश किया? जहाँ डीएम साहब को हम पेश कर चुके हैं। डीएम साहब ने ये कहा है कि हम जाँच करवाएंगे अभी, मगर जाँच जब 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 तक जाँच होगी तब तक तो हमारे घरों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। अच्छा, जैसे तुम अपने मकानों पर प्लान लिख रहे हो बेचने का मामला बन रहा है, तो ऐसा क्या है? ऐसा है, बेचेंगे क्या? हम गरीब आदमी है, दबंगे हैं। जैसे इन्होंने खेत पे हमारे पे कब्जा कर लिया, ऐसे ही मकान पे कब्जा कर लेंगे हम, जो है फिर मकान बेच के जाएंगे। ऐसे ही गांव छोड़ने को तैयार हो आप लोग? जी, हम तो चले जाएंगे, फिर क्या करें। अच्छा, इस तुम्हारे खेत पे लोन वोन भी चल रहा है कोई? हाँ, हमारे लोन चल रहा है। हमारे खेत पे 1.5 लाख रुपए ही केसीसी है। केसीसी है, वो उस केसीसी को कैसे भरेंगे? और इनसे हम दुश्मनी ले नहीं सकते, क्योंकि हाँ जान से मार देंगे। अगर प्रधान कौन है यहाँ के? ग्राम प्रधान चौधरी अवधेश कुमार। प्रशासन से क्या कार्रवाई जा रहे हैं? प्रशासन से कार्रवाई जा रहे हैं, न्याय होना चाहिए हमारे साथ। प्रशासन से हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हमारी कार्रवाई हो, ये चक्रोड़ जांच हटे। और हमें कल को ये मार देते हैं तो इसका जिम्मेदार प्रधान होगा, हमारे साथ कोई भी वारदात होती है तो प्रधान। और प्रधान का क्या नाम है आपको? मेरा नाम दिलावर है। गाँव कौन सा लगता है? गाँव सपेरा भानपुर का निवासी। क्या दिक्कत है आपकी, ये प्लान करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? मजबूर ये हो रहे हैं कि हमारे खेत में हम पे 7.5 बीघा जमीन है, और हमारे खेत में जबरदस्ती चक्रोट प्रधान ने दबंगी से डलवा दिया। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? अवधेश कुमार। बोले इसमें चक्रोट है, इसमें डलेगा जबरदस्ती चक्रोट। क्यों डलेगा, किस बात के लिए डलेगा? उसका कोई लिखित है इस बात की? लिखित बोले कि हमारे पास परमिशन है। कहाँ से लिया उन्होंने परमिशन? जिला पंचायत से, कोटे से बता रहे हैं। जमीन तुम्हारी, कागज तुम्हारे, वो क्यों मांग रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वजह तो कुछ ना, वो दबंग आदमी है साहब, और हमारी मौके पे 7 बीघा जमीन है बस, और दादा लाई हमारी 40 साल पुरानी जमीन है हमारी पूरी। ये मकान पे आपने बिकाऊ जो है फलायन का कोड क्यों लगाया? ये कोड लगाया क्या करें साहब, मजबूर हो गए हमने, हम चले जाएंगे अपने यहाँ से काम छोड़ के, फिर क्या करें? बच्चों को मरवाएंगे हम या खुद मरेंगे? हम मजबूर होकर चले जाएंगे काम से। क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं? प्रशासन से ये चाह रहे हैं, हम हमारी जमीन मौके पर जितनी है 12 बीघा वो पूरी कर दी जाए और अपना शौक से डाल दिया जाए। कहाँ कहाँ आप इसकी शिकायत कर चुके हैं? शिकायत हमने डीएम साहब को। आपका? जी मेरा नाम अफरोज है। आपकी क्या दिक्कत है? खेत की समस्या है, खेत जो है प्रधान ने जबरदस्ती से ले रखा है। और प्रधान क्या कहते हैं? वो कहते हैं मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि जो मैं करूंगा वो होगा। किस प्रकार की धमकी देते हैं? वो कहते हैं कि बच्चों को मारने की, बच्चों को देते हैं मारने की। वो दबंग आदमी, हम गरीब आदमी, हम कैसे करें, इसी वजह से जा रहे हैं घर छोड़ के। जो कहीं आपने शिकायत की? करी। क्या कार्रवाई हुई अभी तो कुछ भी ना है।